नमो बुद्धाय। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान किरण रिजिजू जी, जी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, देश विदेश से यहाँ पधारे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी पूज्य भिक्षुगण, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है, ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज जितने इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का यह सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा, और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है, मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री ह्वेन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था, और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी
एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत कैसे हर काम में पटिपत्ति की प्रेरणा शामिल है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पटिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की इस भावना को दुनिया देख रही है, समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। और मैं मानता हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन का यह मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है। ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था
क्योंकि उन्हें कोई कष्ट था। बुद्ध ने महल राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। हमें हमारे आसपास गरीबी से जूझ रहे लोगों के बारे में सोचना ही होगा। हमें संसाधनों के अभाव में फंसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा। एक बेहतर और स्थिर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है, यही आवश्यक है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति की, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो। साथियों, ये बात सर्वस्वीकार्य है कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उम्मीद एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा, बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा। साथियों, आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो। आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था, जयन वेरन पसवती, जयन वेरन पसवति, दुखन सेति पराजितो, उपसंतो सुखन सेति हित्व जय पराजय। अर्थात जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की नींद सोता है। इसलिए हार जीत लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति उदाचन, अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात
वैसे बहुत बहुत बड़े कम शब्दों में बात बताई है, वैर से वैर शांत नहीं होता है, वैर अवैर से शांत होता है। भगवान बुद्ध का वचन है, सुखा संगस्य सामग्री समग्गानम तपो सुखम, अर्थात संगों के बीच एकता में ही सुख समाहित है। सभी लोगों के साथ मिलकर मिलजुल करके रहने में ही सुख है। साथियों, हम देखते हैं आज अपने विचारों, अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्तानमेव पठनम, अत्तानमेव पठमन, पति रूपे निवेशये, यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स, उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई। लेकिन हमें याद रखना है, बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था, अपदीपो भवः, यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है, अपदीपो भवः, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाहित है। इसलिए कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं समन्वय होता है, अशांति नहीं शांति होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती है। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। माव मय्येथ पुण्यस, माव मय्येथ पुण्यस न मन तन आगमिष्यति, उद बिंदु निपाते न उद कुंभोपि पुरति, धीरो पुरति पुण्यस थोकम थोकम पी आचिनन। अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा, ये सोचकर
पुण्य कर्म की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। साथियों, हर व्यक्ति का हर काम किसी ना किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे जो हो, हम जो भी पहनते हो, हम जो भी खाते हो, हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो, हर बात का प्रभाव होता ही होता है, फर्क पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है। अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और यही तो बुद्ध का मार्ग है। इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है। साथियों, आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलम इस भाव को आत्मसात करे। बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए, तभी भवतु सब मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा। इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है, मांग निवत्त अभिकम, यानी डू नॉट टर्न बैक, गो फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारे निमंत्रण पर यहां पधारने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। और इस दो दिवसीय विचार विमर्श से मानवता को नया प्रकाश मिलेगा, नई प्रेरणा मिलेगी, नया साहस मिलेगा, नया सामर्थ्य मिलेगा। यही भावना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमो बुद्धाय।